वेलकम टू माय चैनल अगेन। क्योंकि मुझे डोसा खाना पसंद भी है और मैं जब तक बनाती हूँ घर में तो इसलिए मैंने इसका पैकेट मंगाया। चावल का आटा भी बाज़ार से लिया है और उड़द का दाल जो है उसका पाउडर भी मैंने ऑनलाइन से मंगवाया है। और अब देखिए कि मैंने करीब 8 चम्मच, ये कि ये चम्मच बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैंने 8 चम्मच चावल डाला और ये 4 चम्मच मैं उसमें दाल डाल रही हूँ। दाल आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं या फिर चावल आप थोड़ा सा मात्रा चावल की बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं पानी डाल के इसको घोल करके, इसका घोल बना करके करीब 8 से 10 घंटा रख दूँगी। हाँ, जब भी आप इसका घोल बनाएं तो इसको 8 से 10 घंटा तक इसको छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये अदरवाइज़ ये फर्मेंट नहीं होता और फर्मेंट नहीं होने से डोसा सही से बनता नहीं है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसे मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, तो अब हम लोग चलो देखते हैं कि ये अच्छे से फूला है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बैटर बहुत अच्छे से बन गया है, कड़ा भी लग रहा है थोड़ा। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें पानी मिला दें, अदरवाइज़ ये ऐसे भी ठीक रहेगा। इससे पहले हम लोग इसमें नमक मिला लेंगे स्वाद के अनुसार। हम लोग नॉन स्टिक तवे को गैस के फ्लेम मीडियम फ्लेम पे इसको रख कर अच्छे से गरम कर लेते हैं और इसमें 2-4 बूंद बस ऑयल डालेंगे। कोई सी भी ऑयल डाल सकते हो, सरसों मत डालना या तो रिफाइंड ऑयल डालना, या ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो या नारियल तेल भी डाल सकते हो। तो चलो 2-4 बूंद डालने के बाद हम लोग अब बैटर उसमें डालेंगे। तवा बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तवा जितना गर्म, जिस तरह का गर्म सही से होना चाहिए जिससे कि ये डोसा अच्छे से फैल जाए और तवा के ऊपर चिपके नहीं। 2 मिनट पक जाने के बाद हम लोग इसको साइड से पूरा ऑयल डालेंगे और बीच में डोसा के ऑयल डालेंगे। ऑयल नहीं डालने पर ये बिल्कुल सूखा सूखा सा दिखेगा आपको। चाकू से ही डाल देती हूँ, मेरा ये चाकू बहुत ही काम का है, बट आप जो है स्पैटुला यूज़ कर सकते हैं या चम्मच से भी डाल सकते हैं। ओके, देर तक आप इसको पकने दीजिए। उसके बाद साइड से जब हल्का ब्राउन ब्राउन सा होने लगे साइड से, तब आप इसको स्पैटुला के हेल्प से साइड से निकाल के देखिए निकल रहा है कि नहीं। जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से रेड होने लगेगा, तब आप इसको पूरे डोसे को निकाल सकते हैं। की चटनी और आलू के ऊपर और डोसे के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सांभर साथ में कैसे हम लोग बना सकते हैं। यह मैंने दाल लिया है, दाल में कुछ सब्जियाँ आप अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। मैंने बीन्स डाला है और कुंदरू डाला है इसमें, और इसमें पानी थोड़ा डाल दिया है। यह मैं दाल बना बनाया दाल ली हूँ, दाल अरहर का डालने का है। ये दाल जो है गोटे मूंग और अरहर दाल दोनों की मिली हुई है। मैंने टमाटर, एक टमाटर बड़ा और नमक और सांभर मसाला सब चीज़ डाल दिया है। प्याज भी डाल दिया है, लंबे लंबे काट के डाल दिए। इसमें थोड़ा तेल भी डाल दिया है, मैंने सरसों नहीं डाला, सरसों मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको खट्टा पसंद हो तो इमली के घोल बना करके आप उसके पानी को इसमें ऐड कर सकते हैं। और 10 मिनट में हम लोगों का सांभर भी रेडी हो गया है। लोग भी इस रेसिपी से डोसा ज़रूर बनाएं और कैसी बनी है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें।